स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको चैप्टर 7 लिंग के बारे में बताऊंगी। लिंग क्या होता है, जिससे लड़का या लड़की होने का पता चलता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। बच्चों, सभी नाम वाले शब्द लड़का या लड़की होते हैं। लड़का शब्द को पुरुष तथा लड़की शब्द को स्त्री भी कहते हैं। जिस शब्द से लड़का या लड़की होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। तो लिंग के दो प्रकार, लिंग जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में कौन आते हैं, जो लड़का होता है, राजा, शेर, बैल, मुर्गा, शिक्षक, चूहा, आदमी, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ये सभी शब्द क्या है, पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग क्या होता है, स्त्री अर्थात स्त्रीलिंग, गाय, लड़की, रानी, शेरनी, मुर्गी, शिक्षिका, चूहिया, औरत, ये सभी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग है। अब आपको पता चल गया कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या होते हैं। तो फिर से हम एक बार और रिपीट करते हैं। देखिए, जैसे पुल्लिंग पिता, स्त्रीलिंग माता, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, नर नारी, पति पत्नी, राजा रानी, भाई बहन, धोबी धोबिन, गुड्डा गुड़िया, चूहा चूहिया, मोर मोरनी, बकरा बकरी, बंदर बंदरिया, सेठ सेठानी। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है, और पुल्लिंग से हमने क्या बनाया है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 29 एंड 30 दोनों आपको मैंने रीड करवा दिए हैं। अब मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।